जिला मुख्यालय सोलन शहर के पुराने उपायुक्त कार्यालय में आज ट्रैफिक पुलिस कार्यालय का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन समारोह में वरिष्ठ अतिथि नहीं बल्कि शहर के नन्हे मुन्ने बच्चों को आमंत्रित किया गया और इस मौके पर जिला पुलिस अधीक्षक मोहित चावला ने बच्चों और अपने स्टाफ से भी इस कार्यालय का उद्घाटन करवाया। ये कार्यक्रम इसलिए आयोजित किया गया ताकि बच्चों और शहरवासियों से मधुर संबंध बनाए जा सके। जिला पुलिस अधीक्षक मोहित चावला ने इस मौके पर कहा कि ट्रैफिक यूनिट है जिससे शहरवासियों को सीधा संवाद रहता है, इसीलिए इस मौके पर बच्चों को खास तौर पर उद्घाटन के मौके पर आमंत्रित किया गया है। उन्होंने बताया कि शहरवासियों की सुविधा के लिए इस कार्यालय को शहर के बीचों बीच खोला गया है ताकि लोगों को किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े और वह जब चाहे अपनी शिकायत को वह आसानी से संबंधित अधिकारियों के समक्ष रख सके। उन्होंने अपने स्टाफ से आशा भी जताई है कि वह दुगनी मेहनत से लोगों की भलाई के लिए कार्य करेंगे और शहर में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। एक ट्रैफिक यूनिट ऐसी है जिससे सिटीजन्स का डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है, नॉर्मल सिटीजन्स का भी, इमरजेंसी व्हीकल्स का भी, बच्चों का भी, गृहणियों का भी, सबका। और ट्रैफिक ठीक ढंग से चलता रहे ये ट्रैफिक यूनिट की जिम्मेवारी बनती है। क्योंकि अब नया ऑफिस मिनी सेक्रेटेरिएट में शिफ्ट हो गया तो हमने सोचा कि सिटीजन्स की सुविधा के लिए हम जो ट्रैफिक यूनिट है उसको यहाँ पे ओल्ड ऑफिस सिटीजन सेंटर में ले आए ताकि कुछ ट्रैफिक से रिलेटेड समस्याएं हैं या कंपाउंडिंग ऑफ चलान है या और भी कोई चीज़ें हैं यहीं पर की जा सके सेंट्रलाइज। तो आज यहाँ के सिटीजन्स के साथ, क्योंकि छोटे बच्चे आइडल रहते हैं, उनके साथ मिलकर हमने ट्रैफिक यूनिट यहाँ पे शिफ्ट किया है और आशा करूँगा कि जिस कमिटमेंट के साथ यूनिट्स अपना काम कर रही हैं और कमिटमेंट के साथ करें और सिटीजन्स को बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज देने का प्रयास करें।